हेलो गाइस, दिस इज कुशाल। वेलकम टू कुशाल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 5। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 के बारे में। सो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी देखना कंपलसरी है जब भी आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो। सो इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इक्लूड्स ज्योमेट्री। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, किसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इंक्लूड्स ज्योमेट्री के बारे में। सो चलिए, ज्योमेट्री क्या होती है। जियो का मतलब होता है अर्थ, मेट्री का मेजर, यानी कि अर्थ को मेजर करना ही क्या कहलाता है, ज्योमेट्री। सो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम किसके बारे में, इंक्लूड्स ज्योमेट्री के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले दो चीजें आती है, पोस्टुलेट्स एक्सोम्स या एक्सोइंस पोस्टुलेट्स। सो देखते हैं क्या होता है। पर ये जो होते हैं एक्सोम्स 7 होते हैं और पोस्टुलेट 5 होते हैं। तो पहले एक्सोम देख लेते हैं, ये छोटे छोटे से हैं। तो देखिए, थिंक फर्स्ट है, फर्स्ट थिंक विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर टू वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, थिंग्स जो ऐसी थिंग जो क्या है, इक्वल है, क्या इक्वल है टू सेम थिंग, उसकी जैसी ही सेम थिंग के इक्वल है, वो आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि वो एक दूसरे से इक्वल है। सो ये फर्स्ट एक्सोइम्स हो गई। अब सेकंड है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, ये जो इक्वल है ये एडिंग करती है अपने इक्वल्स को, यानी कि ये जो इक्वल है, एक जो थिंग है वो इक्वल है पर वो एडिट कर लेती है और भी थिंग्स के इक्वल को। फिर देखते हैं द होल्स आर इक्वल्स, अब जो इनके होल्स इक्वल होल है वो भी इक्वल होने चाहिए। अब थर्ड में देखते हैं आपको, इफ इक्वल आर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल, जब आप इक्वल्स इन जो ये जो इक्वल्स हैं इक्वल हैं इन्हें आप सब्सट्रैक्ट करिए, आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फ्रॉम इक्वल ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब द रिमाइंडर आर इक्वल, अब जो इनका रिमाइंडर आएगा वो भी इक्वल आना चाहिए, ठीक है। फिर फोर आता है, थिंक विच कोइंसिड, थिंक विच कोइंसिड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब यहाँ क्या दे रखा है, थिंक ऐसी थिंक वो क्या है, कोइंसिड है, क्या है, कोइंसिड है विद वन अनदर, यानी कि एक दूसरे से कोइंसिड है। फिर आर इक्वल टू वन अनदर, पर वो क्या है, कोइंसिड भी है एक दूसरे के इक्वल, पर वो एक दूसरे से इक्वल भी है, ये भी है एक पॉइंट। अब फाइव आता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इनका जो होल होता है इनके पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। अब थिंक विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी विच थिंक ऐसी थिंग वो क्या है, डबल है, क्या है, डबल है ऑफ द सेम थिंग से वो डबल है, सेम थिंग जो है वो डबल है ना। फिर आर इक्वल टू वन अनदर, और ये जो दो थिंग है ये सेम है ना, सेम है और डबल है, पर ये इक्वल होनी चाहिए दोनों के, सेम है दोनों थिंग पर ये दोनों डबल है और ये इक्वल भी होनी चाहिए, ओके। फिर आता है सेवन, आता है थिंक विच आर हाल्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये क्या है, जो थिंग क्या होती है, हाल्स क्या हुई, हाल्स होए वो क्या है, ऑफ द सेम थिंग जो होती है वो हाल्फ होनी चाहिए, आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे से वो हाल्फ सेम थिंग जो है वो हाल्फ होती है पर इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे से। अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स की, किसकी, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। सो यहाँ देखिए, फर्स्ट पोस्टुलेट में दे रखा है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन जो ये है ना, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कैन बी ड्रॉ, आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करिए फ्रॉम एनी वन पॉइंट, फ्रॉम किसके, किससे, वन एक पॉइंट से आप एक क्या करेंगे, लाइन स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे फ्रॉम अदर पॉइंट, एक अदर पॉइंट तक। सो जैसे कि क्या है, ये एक पॉइंट है, आपने ये लाइन ड्रॉ करी इस दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम
सेकंड पोस्टुलेट की सेकंड पोस्टुलेट में दे रखा है द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड आइडेंटिफाइंगली। बस ये क्या दे रखा है इसमें जो एक टर्मिनेट जो लाइन होती है क्या टर्मिनेटेड जो लाइन होती है कैन बी प्रोड्यूस वो क्या हुई है प्रोड्यूस होती है आइडेंटिफाई एंड आइडेंटिफाई। अब कैसी होती है टर्मिनेटेड लाइन ऐसे ही टर्मिनेटेड लाइन होती है ठीक है। ये क्या है ये प्रोड्यूस हुई है कैसी आइडेंटिफाइडली प्रोड्यूस हुई है ये सेकंड हो गया पोस्टुलेट। अब पोस्टुलेट थर्ड आता है पोस्टुलेट थर्ड में क्या दरकार है इस सर्किल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब हम सर्किल को जब ड्रॉ करते हैं सो विद एनी सेंटर उसके सेंटर से एंड एनी रेडियस से हम उसकी रेडियस और उसके सेंटर से हम उसे क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं सर्किल को। ये भी बात आ गई पोस्टुलेट थर्ड में। अब आता है पोस्टुलेट फोर क्या होता है देखिए ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर जितने भी राइट एंगल होते हैं वो इक्वल होने चाहिए एक दूसरे से है ना। फिर देर का इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू राइट टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस आइडेंटिफाइडली मीट ऑन दैट साइड on which the sum of angle is less than two right lines. अब if the straight line ये जो straight line हमारी straight line होती है ये falling करती है two straight line क्या करती है falling करती है straight lines two straight line falling करती है जैसे दो straight line हो गई है हमारी। अब इस पे क्या होती है एक straight line falling करती है ठीक है। फिर क्या है line make the interior एंगल ऑन द सेम साइड। अब हमें लाइन मेक करनी है एंगल ऑन द सेम साइड एंगल जो है ये हमारा एंगल जो बनता है इसकी सेम साइड पर ओके। फिर ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस इसके टेकन से टुगेदर लेस जो इसका टेकन जो है वो क्या है लिटिल लेस है ठीक है। अब हाँ देखिए इसके बाद दे रखा है देन टू राइट एंगल जो ये राइट एंगल है देन टू राइट एंगल। अब ये जो लेस होती है टेकन टुगेदर जब टेकन करती है एक दूसरे से लेस होती है वो किसके एक एंगल के राइट एंगल के दो टू राइट एंगल के ठीक है। फिर देन द टू स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन से भी होती है ये दैट दो स्ट्रेट लाइंस होती है इफ प्रोड्यूस आइडेंटिफाइडली ये जो यानी जो हमारी ये लाइन जो है टर्मिनेटेड इससे भी होती है और लेस। अब मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल यानी कि मीट करना है हम उन साइड्स को जो मीट करना है हमें उन साइड्स को सम ऑफ एंगल जिस सम जो है एंगल का उनकी साइड को हमें मीट करना है ठीक है। अब यहाँ देखिए इज लेस देन टू राइट एंगल अब जो ये हम मीट करेंगे वो क्या होंगे लेस देन होंगे टू एंगल्स टू राइट एंगल से ठीक है। अब ये तो हमने इसकी बात कर ली इंट्रोडक्शन में ठीक है इसकी बात कर ली हमने इंट्रोडक्शन में। सो हमने यहाँ पोस्टुलेट और एडजॉइंट्स के बारे में पढ़ा और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ा ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो इसके हम सिर्फ थ्री क्वेश्चन ही करने वाले हैं ओके। अब थ्री क्वेश्चन करेंगे किसके 5.1 एक्सरसाइज के। अब यहाँ देखिए अब 5.1 एक्सरसाइज चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का। सो यहाँ देखिए एक्सरसाइज 5.1 ये है। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब हमें इसमें स्टेटमेंट बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन सा फॉल्स है और कौन सा ट्रू है। सो फर्स्ट दे रखा है और हमें रीजन भी देना है क्यों ये ट्रू है और ये क्यों फॉल्स है। सो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट क्या ओनली वन लाइन
एक ओनली सिर्फ एक लाइन क्या पास करती है वो थ्रो ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से. सो देखते हैं ये क्या है, फॉल्स है. सो फर्स्ट क्या है, फॉल्स है. फॉल्स क्यों है, फॉल्स क्यों है, चलिए रीजन देखते हैं. रीजन है इफ वी मार्क ए पॉइंट ओ ऑन द सरफेस ऑफ पेपर. अब सरफेस है ये पेपर का, अब उस पर हमें एक मार्क ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे हम कुछ लाइन्स ले लेते हैं, लाइन्स भी तो करनी है हमें. चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे हमने लाइन्स ड्रॉ कर ली. अब यहाँ पे है ये हमारा ओ पॉइंट, ओ पॉइंट है यहाँ पे हमारा, ओ या जीरो भी कह सकते हैं. ठीक है, अब फिर यहाँ देखिए, इसके बाद यूजिंग द पेंसिल एंड स्केल वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओ, पासिंग थ्रू ओ. यानी कि हमें यहाँ पेंसिल और स्केल का यूज करना है, जहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इनफाइनाइट नंबर को. ठीक है, अब आप करके देख सकते हैं स्केल या पेंसिल से. सो ये फर्स्ट बॉल्स हो गया इस रीजन से. अब यहाँ पे देख लेते हैं हम सेकंड वाला क्या है. सेकंड में दे रखा है द देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डेंसिटेड पॉइंट्स. यानी कि जो इनफाइनाइट नंबर होते हैं ऑफ लाइंस लेंथ के व्हिच पास थ्रू, क्या वो पास कर रहे होते हैं दो डिस्टिंक पॉइंट से. चलिए देखते हैं. सो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स सेकंड है ये. सेकंड भी क्या है, फॉल्सी है. सेकंड क्यों फॉल्स है, चलिए देखते हैं रीजन इसका. इन द फॉलोइंग फिगर, अब फॉलोइंग फिगर क्या है, फॉलोइंग फिगर. अब एक यहाँ से एक फिगर बनता है हमारा, तो फिगर देख लेते हैं क्या है. देखिए ये बनती है एक लाइन, ये है एक लाइन. अब यहाँ से ये ऐसे जा रही है ऐसे. चलिए तो ये एक पॉइंट हो गया. अब यहाँ पे ये पॉइंट, ये. अब ये क्या है, F. यहाँ पे हमने F लिख दिया, यहाँ पे हमने F लिख दिया, वो सॉरी F नहीं, P है. ठीक है, अब यहाँ पे भी दे रखा है ऐसे ही ये. यहाँ पे G पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, G पॉइंट या Q पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं. चाहे हमने यहाँ Q लिख लेते हैं, Q लिख लिया, P Q लिख लेते हैं. ठीक है, सो अब यहाँ देखिए P को Q को सही से बना देता है, तो ये Q हो गया. अब इस फिगर में देयर आर मैनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू P, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है जो पास हो रही है P पॉइंट से. P पॉइंट क्या है, ये Q पॉइंट क्या है, ये जो बीच वाला है. ठीक है, अब ये जा रही है, अब ऐसे ही बहुत सारी लाइंस क्या जा रही है, Q से भी जा रही है ना. बट देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन विच इज पासिंग थ्रू P एज वेल एज Q. जो बट लेकिन वन लाइन जो है जो पासिंग हो रही है P से एज वेल एज Q, वो Q से भी पासिंग होगी, इसलिए ये फॉल्स हो गया. पर यहाँ पे क्या रखा है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के, पर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर नहीं है. ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाले में क्या रखा है. ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इडेंटिफाइडली एंड ऑन बोथ साइड. द टर्मिनेटेड लाइन जो होती है कैन बी प्रोड्यूस होती है इडेंटिफाइडली ऑन बोथ द साइड से. अब क्या देख लेते हैं क्यों, ये क्या है, ये ट्रू है. ये क्या है, ये ट्रू क्यों है. अब ये दोनों शुरू वाले फॉल्स थे, ये ट्रू है. ठीक है, क्यों है, रीजन देते हैं. द पोस्टुलेट टू है से दैट ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इडेंटिफाइडली. अब हमने पढ़ा था पोस्टुलेट में कि टर्मिनेटिंग लाइन क्या होती है, वो इडेंटिफाइडली होती है. ठीक है, इसलिए ट्रू हो गया, ये रीजन पता चलेगा. अब फोर वाले में देखता है, इफ टू सर्किल आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल. जो दो सर्कल होते हैं वो आर इक्वल, क्या वो इक्वल होते हैं उनके रेडी से. अब वो रेडी क्या है, इक्वल है, रेडी भी इक्वल है, तो ये ट्रू हो जाएगा. क्या है, ये ट्रू हो जाएगा. फोर्थ वाला जो है ये ट्रू है. अब यहाँ पे क्या था, फर्स्ट वाला फॉल्स, इसे थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं. ठीक है, अब
ये हो गया ठीक है। अब आते हैं फोर वाला का रीजन देख लेते हैं क्या होता है कि सुपर इम्पोजिंग द रीजन ऑफ वन सर्किल ऑन द अदर, एक सर्किल से दूसरे सर्किल का जो रीजन है वो वी फाइंड द कोइंसिडिंग, क्या हमें फाइंड करना होता है उसे कोइंसिडिंग हमने पढ़ चुके हैं पहले पोस्टुलेट्स में हमने पढ़ा है ठीक है। सो अब पोस्टुलेट में हमने पढ़ा है ठीक है, सो देयर सेंटर एंड बाउंड्रीज कोइंसाइड। अब इनके जो सेंटर होते हैं और बाउंड्रीज होती है वो क्या होती है, वो कोइंसाइड होती है, ये भी है होती है। दस द रेडी विल कोइंसाइड और इक्वल, अब जो रेडी है वो क्या है, कोइंसाइड है और इक्वल है। सो रेडी ओके इक्वल हो गई, अब है इक्वली पहुंचा है पर वो कोइंसाइड भी है, कोइंसाइड है तो इक्वल भी होगी ओके ठीक है ये हो गया। अब फाइव वाले में क्या रखा है हमें यहाँ पे, फाइव वाले में दे रखा है इन द फॉलोइंग फिगर, एक फॉलोइंग फिगर हमें दे रखा है ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। अब हमें यहाँ पे ए बी इक्वल्स करना है एक्स वाई के, जहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखा है उसमें क्या दे रखा है ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, पी क्यू है ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, PQ is equals to XY, यहाँ में AB is equals to XY करना है। So, यहाँ पे फिगर देखते हैं, पहले फिगर में क्या दे रखा है, पहले फिगर देख लेते हैं कैसे फिगर दे रखा है यहाँ पे। ये हमें ऐसे एक, हमें यहाँ से लाइन दे रखी है ऐसी, ये थ्री लाइन से दे रखी है हमें ठीक है। अब ये हो गया AB, PQ, PQ, XY। ये हो गए सब ठीक है, ये हो गए है ना। तो अब ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, पी क्यू के इक्वल्स टू है ना, ये है ए बी। अब रीजन दे रहा हूँ ये ए बी इक्वल्स, ए बी जो है ये है इक्वल्स टू, ये है इक्वल्स टू पी क्यू के। अब पी क्यू, पी क्यू जो है पी क्यू, पी क्यू वो इक्वल्स टू है एक्स y के, ये भी है। अब ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई करना है तो एक्स वाई किस इक्वल्स टू है, किसके थ्रू, एक्सजॉइंट्स के, इसको एक्सजॉइंट इंक्लूड एक्सजॉइंट्स के थ्रू, क्योंकि ए बी और हमें एक्स वाई जब यहाँ पे पी क्यू है तो हम ए बी को चाहे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये फाइव वाला ट्रू हो गया, क्या हो गया ट्रू हो गया ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर अपन यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी इक्वल्स टू क्या एक्स वाई ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे डेफिनेशंस देनी है, चलिए तो डेफिनेशन देनी है। अब क्या डेफिनेशन हम इंग्लिश में देख सकते हैं, चाहे हमें हिंदी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या डेफिनेशन दे रही है और इंग्लिश में दे सकते हैं क्या। तो फर्स्ट डेफिनेशन देनी है हमें पैरेलल लाइंस की, किसकी, पैरेलल लाइंस की। सो पैरेलल लाइन में दे रखा है, पैरेलल लाइन में दे रखा है टू लाइंस एल एंड एम, ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ इंग्लिश में, टू लाइंस एल एंड एम इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट एंड वी रिटन देम एल पैरेलल एम। हम ऐसे लिखते हैं जैसे ये एक लाइन बनाते हैं हमने, पर ये पैरेलल, ये पैरेलल पर ये कैसी बनती है, ऐसी लाइन बनती है ठीक है, ये ऐसे बनती है ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे बनती है तो ये क्या होता है, ये L ये M ठीक है। सो ये हो गया L ये M ठीक है। सो ये इनके पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं है ठीक है। अब रिटर्न करते हैं हम, L पैरेलल है किसके, M के है ठीक है। अब चलिए देखते हैं सेकंड इसकी डेफिनेशन दे रही है हमें परपेंडिकुलर लाइंस की, किसकी, परपेंडिकुलर लाइंस की। तो देख लेते हैं टू लाइंस पी एंड क्यू लाइंग इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फॉर्म ए राइट एंगल एंड वी राइट देम एज पी परपेंडिकुलर क्यू, ये दे रखी। अब पहले जान लेते हैं परपेंडिकुलर का साइंस कैसे होता है, परपेंडिकुलर का साइन होता है ऐसे, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, क्यों होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या क्यू और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है पी और क्यू, तो ये एक लाइन बनती है ऐसे
और ए डी ए लाइन बनती है ऐसे, तो ये क्या होती है, ये पी होती है और ये क्यू होती है, ठीक है। अब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, सो इसलिए ये ऐसे साइन करा जाता है, ठीक है, ओके। अब हम करते हैं फिर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन एंड हैविंग ए डिफाइनाइट लेंथ, इट हैज टू एंड पॉइंट। इन द फिगर ए लाइन सेगमेंट इज शोन इज शो हैविंग एंड पॉइंट्स ए एंड बी, इट इज रिटन एज ए बी और बी ए। अब हमें क्या है, लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट में हमें कैसा करना होता है, ए बी, ए बी क्या है, ए बी और ए बी और बी ए, पहले हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है ए बी की। सो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक लाइन सेगमेंट। सो देखिए लाइन सेगमेंट, हम एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट, ये हो गया ये ए ये बी, तो क्या हो गया ए और बी, ए है और बी है, तो ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन, फिर क्या है बी है और ए है, ए और बी कर सकते हैं या बी और ए कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको लिखने के लिए दिया ए और बी, ए बी ये लिखने के लिए दे दिया आपने, और ये पिक्चर भी बनाया आपने, कहा कि इसमें से कुछ, इसमें से कौन सा राइट है, कैसे राइट कर सकते हैं, सो दोनों ही राइट हो जाएंगे, ठीक है। अब दे रखी है डेफिनेशन रेडियस ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल के रेडियस की, एक सर्किल के रेडियस की, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट, द डिस्टेंस एक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट, एक सेंटर जो है, एक डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ ए सर्किल में, रेडियस डिस्टेंस होती है सेंटर टू ए पॉइंट, पॉइंट से सर्किल के पॉइंट से सेंटर तक डिस्टेंस होती है। अब ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल, इसी को हम रेडियस ऑफ द सर्किल कहते हैं। अब कैसे होती है, सो पी मान लिया हमने सेंटर में है, अब क्यू क्या एक पॉइंट है, सो यहाँ पे देख लेते हैं हम क्यू क्या है, एक पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे दे रखा है, चलिए सो ये है एक सर्किल, तो यहाँ पे पी क्या है सेंटर में है और क्यू क्या है पॉइंट है, सो ये क्या हो जाएगा पी क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं हम स्क्वायर, स्क्वायर की डेफिनेशन देनी है हमें, क्या एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल दी फोर लाइन फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, गिवन फिगर। अब हमें यहाँ फिगर भी देना है, गिवन फिगर, किसका फिगर देना है हमें, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का हमें फिगर देना है यहाँ पे, सो यहाँ पे हम फिगर देते हैं ये वाला, ये फिगर है, यहाँ पे क्या है सारी साइड इक्वल है, अब ये हो गया पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी क्यू आर एस, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, तो हमें दो पोस्टुलेट दे रहे हैं, उन्हें देना है आंसर देना है। गिवन एनी, फर्स्ट दे रखा है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एक्सिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी व्हिच इन व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी, सो यहाँ पे दे रखा है, चलिए हमें क्या करना है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए एंड बी, अब ये क्या है एक्सिस्ट करता है पॉइंट सी के, सो यहाँ पे ए और बी के बिटवीन में ये डिस्टेंस करते हैं, कैसे करते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये होती है ऐसे लाइन होती है, ये लाइन सेगमेंट होती है, चाहे लाइन भी कह सकते हैं, सो यहाँ पे ये पॉइंट ए होता है, यहाँ पे बी होता है, तो इनके बीच में ये सी होता है, सो ये क्या हो गया फर्स्ट का आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड की, सेकंड में लिखा है देयर एक्सिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब यहाँ पे सेम लाइन पे क्या होते हैं, क्या सेम नहीं होते हैं ये लाइन पर, सेम लाइन पर, सेम लाइन पर नहीं होते हैं, क्योंकि क्या है कि ये सी पॉइंट जो है, ये क्या है सी पॉइंट जो है, ये लाइन नहीं करता है, इसलिए क्या होते हैं ये जो होता है थ्री पॉइंट्स ऑन सेम लाइन,
सेम लाइन पर ये नहीं होता है, पर ये लाइन नहीं कर रहा है। अब ये एक लाइन है यहाँ पे बीच में एक पॉइंट दे रखा है, पर यहाँ पे नहीं होता है, पर इनके बीच बिटवीन में सी होता है, इसलिए सी को हम लाइन नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। सो ये था पार्ट वन। अगर किसी को पार्ट वन अच्छे लगो तो, अगर पार्ट वन अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।